Hummies. So today I'm going to share my meal prep. हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल. सो स्टार्ट करते हैं मेरे नींबू पानी से. नए दिन में आप लोगों को वेलकम है मेरे चैनल पे. एक नए वाले पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि इस ब्लॉग में हम शेयर करने वाले हैं मेरा मील प्रेप. तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वाला ब्लॉग. बस सब्सक्राइब करके रख देने से नहीं होगा, मेरे से आप लोग बात करो ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को कौन सा किस टाइप का कंटेंट चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब ये बोलना चाहेंगे कि अभी कलकत्ता में जो चल रहा है, सोशल मीडिया में जो हो रहा है, ये सब देख के मुझे मतलब ख़राब बहुत ही लगता है. मुझे लगता है कि 5 ईयर्स पूरा जो राष्ट्रपति जो होता है उसका पूरा लॉ एंड ऑर्डर स्टार्ट हो जाए, सेंट्रल लॉ एंड ऑर्डर स्टार्ट हो जाए 5 ईयर्स, तब जाके कलकत्ता में कुछ हो सकता है. क्योंकि बंगाली हम मतलब आई कॉन्ट शेयर एनी थिंग अबाउट विच सिटी आई एम स्टेइंग, विच कास्ट आई मीन्स बिलोंगिंग विद दैट काइंड ऑफ पीपल. आई कॉन्ट से एनी थिंग, क्योंकि इसमें अच्छा ही है बुराई है सब कुछ लेके ही चलना पड़ता है. लेकिन अभी इन दिनों इकोनॉमिकल डेवलपमेंट छोड़ के जो एडुकेशनल प्रॉस्पेक्ट है, जो कल्चरल प्रॉस्पेक्ट है, ये सब छोड़ के जो हाईलाइटिंग पोजिशन में आ रहा है कलकत्ता का जो भी है, वो मतलब बहुत ही ख़राब लगता है. आई वोंट टॉक अबाउट ऑल दिस सर्टेन थिंग्स, बिकॉज नेगेटिविटी तो चारों तरफ आप ढूंढोगे आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा. तो पॉजिटिव डे, पॉजिटिव वाला अच्छा फीलिंग्स के साथ हम ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. तो रहिए आज के दिन मेरे ये वाला व्लॉग में. और अभी हम स्टीयरिंग कर रहे थे मेरे वो वाला जो मतलब ब्लू कलर वाला जो पाइप है, तो उससे हम नींबू पानी का नीचे हम मिक्स्ड कर रहे थे. तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर किए. बहुत दिनों से बाहर नहीं गए. आप लोग प्लीज़ एडवाइस कीजिएगा कि कहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने जा सकते हैं. और दिस इज़ माय अर्ली मॉर्निंग रिचुअल. तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल दिए थे. आज हेयर जंपी करना था, हेयर ऑयलिंग करना था, तो इसके वजह से हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और कस्टर्ड ऑयल मिला के हम इसको गर्म कर रहे हैं. आफ्टर सम टाइम्स आई कैन अप्लाई ओवर माय हेयर एंड टेक द बाथ. सो टुडेज रिचुअल, बाय द वे टुडेज संडे, टुडेज रिचुअल में हम ये वाला रखते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय मील प्रे. हम हफ्ते का मतलब फुल वीक का क्या मील प्रिपरेशन मेरा रहता है. आई यूज टू शेयर फॉर टुडे. माय फर्स्ट डे बॉइलिंग द मिल्क. तो मिल्क हम मार्केट से उठाए थे, वन लीटर का दोनों पैकेट उठाए थे, तो उसका अभी हम बॉइलिंग कर रहे हैं. देख लीजिए, सो इसको स्टीयर करेंगे, क्योंकि इफ़ वी आर विलिंग टू स्टीयर दैट तो बहुत ज़्यादा दिन ये रहता है. ज़्यादा दिन मतलब 1 वीक मेरा 2 लीटर मिल्क चला जाएगा आसानी से. तो फॉर दैट इधर एक है और इधर एक है. अभी ये वाला हम जार ले लिए, ये साइज में हम दिखा रहे हैं आप लोगों को. तो ये वाला जार है, तो ये पूरा नीचे मतलब एम्प्टी जार है, तो इसको हम स्टेरिलाइज करके ही रख दिए थे. तो अभी इसका पानी हम निकल के बाहर फेंक देंगे. और इसमें आई जस्ट प्योरेट द मिल्क, ऑल द बॉइलिंग मिल्क एंड केप्ट इन साइड द फ्रिज, तो इट्स स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम. आई जस्ट फॉरगॉट टू ऑन माई फोन, सो आई हैव ऑलरेडी प्योरेट दिस. तो अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसको हम फ्रिज में उठा देंगे. सेकेंड मिल प्रेप जो हो रहा है दैट इज बॉइल्ड चना. तो अभी हम बॉइल्ड चना करने के लिए दे दिए है. तो जस्ट आई कैन शो यू पीपल. सो हियर आई हैव गिवन सम ऑयल अलोंग विद सम सॉल्ट एंड ऑल द चनास. नाउ ये धीरे ये जो है 1300 पे है, इसको हम 900 कर देंगे या फिर 500 कर देंगे. तो यह धीमी आँच जो बोला जाता है लो फ्लेम में ये होता रहेगा.
लो टेम्परेचर में ये फिर पकता रहेगा, मतलब ये बॉइल्ड होगा पूरा, ये जो मतलब खाने के लिए है वो पूरा हो जाएगा। सो माई नेक्स्ट मील प्रेप इज आप लोगों को दिखा रहे हैं, सी व्हाट्स दिस चना आई वॉज बॉइल, ये बॉइल करके हम रख दिए थे, आज बस इसके साथ हम अदरक लहसुन ऑनियन और टमेटो का पेस्ट मिला के इसको हम पका लेंगे। ये एकदम बॉइल हुआ चना है, आप लोग देख ही सकते हो ऐसे, और आप इसका ऊपर का ये वाला जो है पिल ऑफ करके इसका आप मतलब पेस्ट भी बना सकते हो, जिसको आपका बोलता है क्या बोला जाता है दिखा रहे हैं। हमीज, आप ऐसे चने का पेस्ट बना के हमीज भी बना सकते हो, ये हम खरीदे थे, इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, तो ये हमीज मार्केट पे मिलता है ऐसे ही, तो आप क्या कर सकते हो ये ऊपर का छिलका निकल के इसमें सिसमी सीड्स का पेस्ट देके, ऑयल के साथ सिसमी सीड्स का पेस्ट देके हम लोग इसका हमीज भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम मेरा राइस है मेरे पास, तो अभी हम इसको बस ऐसे ही मतलब जो चना होता है उस हिसाब से पकाएंगे। सो लेट यू सी, इसमें जिंजर है, इसमें ऑनियन है, इसमें हम चिली भी दिए, दिस इज़ द गर्लिक एंड टोमेटो, तो इस सबको दे के एक पेस्ट बनाएंगे और फिर कढ़ाई में दे देंगे, और वो भी सूखा ही डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम ये वाला ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। तो चलिए जल्दी से पकाते हैं। सो इसमें थोड़ा सा ऑयल या पानी डालेंगे तो ये स्मूथ बन जाएगा, तो हमको लगा था कि इसमें कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गिवन द टमाटर, तो देखते हैं ये वाला हम और एक काट के रखती है तो ये वाला हम इसमें डाल देंगे। सो इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी ऐड किए थे, अभी कढ़ाई में ये हम डाल देंगे विदाउट ऑयल, कल जो हम पकाए थे उसको मटर को तो वो हम ऑयल से ही पकाए थे, तो उसका जो रहेगा वो वाला डाल देंगे, और ये हम ऐसे ही दे दिए कढ़ाई में। जीरा देने से थोड़ा होता है क्या, ठंडा कर देता है, जैसे गरम मसाला से बॉडी में थोड़ा गरम मतलब रहेगा वैसे जीरा से थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी देखिए ये हम डाल दिए बिना ऑयल का, अभी इसमें हम ये थोड़ा सा उबल के आएगा तो इसमें हम आपका वो ऑलिव ऑयल डाल देंगे, और इधर देखिए ये जो ऑयल वाला पानी है ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा हम डालेंगे तो एक ही साथ ये पक जाएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है इसमें से, और इधर हम पानी बना के भी रख दिए, ये वाला पानी हम इसमें दे देंगे, और वैसे भी ज़्यादा क्यूकम्बर ये हम कट करके इसको भी हम प्रिजर्व करके रखने वाले हैं। हम सोचे थे कि क्यूकम्बर से सलाद बनाएंगे, लेकिन बेटे का सडनली थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया, उसके वजह से वो खा नहीं पाएगा, तो ऐसे ही हम क्यूकम्बर का मेरा वाला जो सलाद हम खाते हैं वो बना लेंगे। हम सोचे थे कि मैंगो क्यूकम्बर और टोमेटो के साथ सलाद बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसमें मेरा पानी मतलब ऑयल नहीं है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है। अभी इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसके बाद मटर भी डाल देंगे। मुझे लगा था कि ऑयल देना पड़ेगा, वैसे मेरा आँख जल रहा है क्योंकि इसमें हम मिर्ची डाले थे, तो अभी इसको होने देना है। देखिए कलर भी आ रहा है इसका, कुछ भी नहीं डाले, ना तो नमक, ना तो हल्दी, ना तो रेड मिर्च पाउडर, तो बस ऐसे ही इसका कलर हो रहा है ड्यू टू टू टोमेटोस। ऑनियन और टमेटो का प्रोपोर्शनेट, इफ़ यू पीपल अंडरस्टूड दैट थिंग्स देन आपको तो मतलब रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। हियर आई एम एडिंग टू टमेटोस, ये थोड़ा सा और पकेगा फिर इसमें हम वो वाला पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए हम बस थोड़ा सा पानी डाले, पूरा नहीं डाले, तो अभी इसमें हम मटर भी डाल देंगे और इसके साथ साथ एक साथ पकाएंगे। एक हाथ से करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, मेरे पास स्टैंड है लेकिन आज बहुत जल्दी है तो इसलिए हम ऐसे करके कर दिए। इंडक्शन का स्विच ऑफ कर दिए थे क्योंकि अगर ये मतलब इधर उधर हो जाता है, मतलब ज़्यादा फ्लेम में रहता है तो इधर उधर हो जाएगा, तो अभी देखिए ऑयल इसमें से छोड़ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अभी इसमें पहले से थोड़ा सा नमक था तो बिना ऑयल वाला ये एकदम कम ऑयल में ये हो गया, और इसमें बस गरम मसाला का पिंच ऑफ गरम मसाला ऊपर से दे देंगे तो हो जाएगा।
दिस इज़ माई दालचीनी पाउडर, ये है आपका सिनेमम, ये हम थोड़ा सा ये और इसके साथ डालेंगे कार्डोमम पाउडर। हम एक हाथ से ओपन कर रहे हैं ऐसे करके, दिस इज़ माई कार्डोमम पाउडर। उठा नहीं पा रहे हैं, एक हाथ से कर रहे हैं, या अभी आ गया। आप लोगों में ऐसे कितने जन एक हाथ से मतलब काम करते हो, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। आई डोंट नो, बाहर बारिश हो रहा है, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, देखिए इधर बारिश। और अभी नमक डाल देंगे, ऑलरेडी है इसमें नमक। और आप लोग के पास अगर आमचूर पाउडर हो, चाट मसाला हो या इमली का चटनी हो तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी मेरा चाट मसाला और आमचूर पाउडर हम ओपन नहीं किए, तो मेरे पास है इमली का पाउडर, इमली का चटनी, तो हम इसी को ऐड करेंगे। दिस इज़ मदर टैमरिन डेट का, ये है, बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको। ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बेटे का तो ज़ुकाम है इसलिए ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड कर दिए। इफ़ यू गाइस नॉट विलिंग टू टेक इमली चटनी, यू कैन पुट द कार्ड ऑल्सो, आप लोग कार्ड भी इसमें पुट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा इसका स्मेल आ रहा है, और आपको दिखाए थे ना दालचीनी वाला, ये देखिए पेस्ट जो बनाए थे इसमें ये वाला एक रह गया। आई होप ये बनके रेडी है। थोड़ा सा इसमें हम मतलब रखेंगे, सूखा ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि रात के लिए मुझे चीला बनाना है। राइस बस सवेरे ही बेटे को देंगे, क्योंकि नाइट को उसको चीला देंगे, उसको ज़ुकाम है, तो इसके वजह से हम रात को राइस उसको नहीं खिलाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ये रखेंगे जो ग्रेवी है। तो आप लोग बताना ज़रूर कैसा लगा, और इसमें आप लोग धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम धनिया पत्ता भी नहीं दे रहे हैं, उसका खांसी है, तो अगर गले में लग जाएगा तो वो बहुत ज़ोर से खांसता है, तो इसके वजह से हम इसमें धनिया पत्ता ऐड नहीं करने वाले। तो मेरा ये वाला रेसिपी होके रेडी है, मेड बाय माय सन, एंड नाउ गरम पानी हो रहा है। अभी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं मेरे आज का ब्रेकफास्ट जो था, ऐसे इसमें हम डाले हैं थोड़ा सा कैनबेरी, और इसके साथ कर्ड है, प्रोटीन पाउडर है, और इसके साथ है ओट्स, और ये है मेरे आज का ब्रेकफास्ट। क्योंकि बाकी का जो मील प्रेप है हम कंटिन्यू करेंगे, एक दिन में हम नहीं करते। और बाहर देखिए कितने ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा है, और नेक्स्ट कमिंग वीक में मुझे लगता है पूरा थंडरिंग चलेगा, तो स्कूल कैसे करेंगे और ये सब मतलब कैसे झेलेंगे, अभी रेनी सीज़न का यूटिलिटी कैसे करेंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि रेनी सीज़न में मुझे रोड पे उतर के डांस करना है कि नहीं है। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे सब जो चल रहा है, और ज़्यादा करके कलकत्ता को लेके जो चल रहा है, I just ever all these certain things, but I am just speechless, क्योंकि इस सिलसिले में मुझे बोलने का मतलब क्या ही बोले, बोलने का कोई मतलब, इंसान बंगाली में बोला जाता है मान होश। तो मुझे जो भी जितना भी मिले है, एक हद तक जाके मुझे लगता है मेरे जाना पहचाना में जो भी मिले हैं, जो मिले हैं, एक हद तक जाके मुझे लगता है कि आप जितना अच्छा होंगे, पीपल का लगेगा कि पीपल प्लेजर के लिए आप वो दिखाते हो, तो वो आपके सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। तो इस वजह से हम अभी सबसे अपना मतलब कट ऑफ कर लिए, अभी हम अपना काम करते हैं, और जो लाइफ में ऊपर वाले ने मुझे दिए है उसको लेके ही हम चलने की कोशिश करते हैं। तो बाहर वालों से बातचीत करना हम टोटली बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो है, आप लोग देखोगे, आप सोशल मीडिया चैनल पे देखोगे, जो भी मतलब आपका जितना भी हेटर्स है वो आपका जाना पहचाना में ही है, बाहर वाले आपको सपोर्ट करेगा,
और आपका जाना पहचाना ऐसा नहीं कि आपके लिए ख़राब चाहते हैं, लेकिन वो लोग खुद से ऊपर जाने के लिए कभी परमिशन आपको नहीं देने वाले। तो फॉर दैट रीज़न आपका खुद का मतलब जाना पहचाना ही आपका मतलब जो है रास्ते के कांटे बनते फिरेंगे। तो इसके वजह से हम किसी से बात भी नहीं करते, और कोई भी ओपिनियन सोशल मीडिया पे या फिर दुनिया में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है कोई भी हम ओपिनियन नहीं, हम बस अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं और जारी रखेंगे अपना काम। जितना दिन सांस है उतना दिन आस है, क्या होगा वो तो इंसान के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखिए हम आज के खाने में भी ये चिकन बना लिए, ये सूखा वाला चिकन बनाए ताकि हम दो दिन तक इसको भी रख सके। बाय द वे मील प्रेप जो इंडियन वेदर है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 डेज रखो अंडर टू मच ऑफ ह्यूमिडिटी, 100% ह्यूमिडिटी, तो इसमें बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। नहीं तो अगर आप 1 वीक के लिए रखोगे तो फिर से आपको माइक्रोवेव करना पड़ेगा या तो फिर से आपको गर्म करना पड़ेगा। इसमें से क्या होता है, खाने का जो पौष्टिकता है, खाने का जो क्वालिटी है वो डिजास्टर हो जाता है दिन ब दिन। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 डेज रखो तो सेहत के लिए अच्छा है। 3 डेज मतलब 2.5 डेज का हम बात बोल रहे हैं। तो हम इस तरीके से मील प्रेप बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं हम सूखा मसाला कैसे बनाते हैं। दोज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट कमिंग, हम देखते हैं सब्सक्राइब करते हैं चैनल को फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। हम जो है एज ए हम मदर है वैसे हम सिंगल ही रहते हैं, हस्बैंड आते हैं फिर जाते हैं, ऐसा ही चलता है। तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रहता है और मेरा जो भी क्वालिटी है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग सेक्टर में होगा, तो पहले मेरे चैनल पे आके पूरा देखो जो व्यू है कि किस टाइप का चैनल है, फिर जाके सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं एक डांस देख के सब्सक्राइब कर लिए फिर आप मतलब छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मेरा तो कुछ नहीं आने वाला नहीं है आपके सब्सक्राइब करने से या ना करने से, कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन जो हो रहा है आप जो चैनल से जो लिंक से ये सब काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। तो पहले चैनल को पूरा गो थ्रू करो, फिर अगर आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब करना है फिर करो, नहीं तो देख के छोड़ दो ना यार। कौन माथा पच्ची करके बोले है सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग चाहते हो कि हाँ मेरे चैनल के पीछे पड़े रहो, जैसे हम पहले भी बोले थे कि फेक चैनल 3 ऑलरेडी बना के रख दिए मेरे नाम से, तो क्या ही बोले। बाय द वे ये हम जो जूस बना रहे हैं ये हम एक मोजिटो टाइप का जूस बनाने की कोशिश किए, लेकिन इसको ट्राई आप लोग प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि इसमें हम जो सॉस डाले थे रेड कलर का वो एकदम पूरा मेडिसिन वाला मुझे टेस्ट आया। तो नेक्स्ट टाइम हम एक सिरप डाल के ये बनाएंगे जो हम मोजिटो बनाए थे, इसमें जीरा पाउडर जो बोला जाता है क्यूमिन पाउडर वो हम ऐड किए थे, इसके साथ साथ इसमें सॉल्ट भी ऐड किए थे और आप लोगों को दिखाई दिया लेमन वो भी क्वीज कर रहे थे हाथ से, क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट करके भी चलना पड़ता है। लेमन का इक्विपमेंट लेंगे उसको फिर धो उसको फिर मतलब सही जगह रखो, बहुत ही टाइम लग जाता है। तो जिसको जो समझना है समझे, हम तो अपना काम पे ध्यान देते हैं, हम वही करेंगे जो मुझे फेवर होता है, टाइम मैनेजमेंट करके मुझे आगे बढ़ना है। तो बस यही नेक्स्ट डे हम अगर मतलब ऐसे कुछ जूस बनाएंगे या फिर हम मोजिटो बनाएंगे तो हम इसमें ज़रूर कोई क्वाश या फिर सिरप डालने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ आवर टुडेज लंच, दैट्स इट अप टू टुडे। ये वीडियो बहुत ही लेंदी होते जाएगा, हमको लेंदी बनाना नहीं है। तो कैसा लगा मेरा ये वाला आज का लंच, आप लोग कमेंट कीजिए। अब कमेंट करने के लिए बोलते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने के लिए नहीं बोलते हैं तो आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट कर देते हो, क्या चलता है आप लोगों का मथा पच्ची यार।